जब गुलाम हमारा देश था तो उस समय हमारा स्वर्ण जाति अमीर था, और जब आजाद हो गया 75 साल अमृत महोत्सव मना रहा है तो अभी गरीब हो गया। जिस तरह से आरक्षण को हटाकर, जिस तरह से हमारे जो संचित वंचित लोग थे उनको भेदभाव रखा जाता था, उनको मंदिरों में नहीं जाया जाता था और स्कूल में नहीं जाने दिया जाता था, उनको भेदभाव रखता जाया जाता था, वही वो लोग वापस लाना चाहते थे। आरक्षण आर्थिक स्थिति चाहे EWS जो है ये संविधान में नहीं लिखा हुआ है, ये संविधान के विरोध है। जो राजपूत बुनियार पंडित कि ये गरीब है और इनको आर्थिक स्थिति पर दिया जा रहा है, ये कौन से संविधान का कोई इसका पाठ नहीं है, इस संविधान का विरोध है। जो दबले कुचले लोग हैं उनको हम आगे आने देंगे, क्यों? भीमराव अंबेडकर जी जब संविधान लिख रहे थे तो उनमें भी तो जमींदार लोग होंगे, उनमें भी तो सुवर्ण जाति होंगे, होंगे कि नहीं? वो अकेले नहीं ना लिख दिए हैं संविधान? संविधान में एक कड़ी लिखना चाहिए था ना कि आने वाले समय में जब 75 साल आजादी हो जाएगा, जब हम लोग अमृत महोत्सव मनाएंगे, उसके बाद हम लोग को सुवर्ण जाति को आरक्षण दिया जाए। बोलिए, आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का पुण्यतिथि है, महापरिनिर्वाण दिवस है, और जनतांत्रिक विकास पार्टी जो 10% आरक्षण दी गई है सवर्णों को केंद्र सरकार के द्वारा, उसका आज विरोध कर रहे हैं। और इन्हीं से मसले पर हमारे साथ एक युवा जुड़े हैं, क्या नाम हुआ आपका? रोशन कुमार सिंह। रोशन कुमार सिंह, आप लोग भूमिहार समाज से हैं? नहीं, हम राजपूत हैं। राजपूत हैं, सवर्ण है यानी कि? जी जी। तब भी आप 10% आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, क्यों? देखिए, हमारा जब देश गुलाम था, जब आजादी हुई, भीमराव अंबेडकर बाबा संविधान लिखे, जो सोचित वंचित लोग थे उनको आरक्षण मिला, और आज हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, अभी आप EWS दे रहे हैं, माने कि आजादी के जब गुलाम हमारा देश था तो उस समय हमारा स्वर्ण जाति अमीर था, और जब आजाद हो गया 75 साल अमृत महोत्सव मना रहा है तो अभी गरीब हो गया, यह कौन सी आरक्षण है? यह सोचित वंचित को मूर्ख बनाने वाला आरक्षण है। जिस तरह से आरक्षण को हटाकर, जिस तरह से हमारे जो संचित वंचित लोग थे उनको भेदभाव रखा जाता था, उनको मंदिरों में नहीं जाया जाता था और स्कूल में नहीं जाने दिया जाता था, उनको भेदभाव रखता जाया जाता था, वही वो लोग वापस लाना चाहते हैं 10% आरक्षण देकर, कि 10% स्वर्णों को दे दें और फिर जो दबले कुचले लोग हैं, 75% लोग हैं, वो फिर पीछे चले जाए। ये कैलकुलेशन हमको समझ में नहीं आ रहा है, कैसे अगर 10% आरक्षण सवर्ण समाज को मिल जाता तो कैसे वो पीछे चले जाएंगे? उनके कोटे से तो जो उनके 50% आरक्षित है उनके तो नहीं दिए जा रहे हैं, और इनको गरीबी के आधार पर दिया जा रहा है, तब भी आप कैसे कर? इस संविधान के हटा कर किया गया है आरक्षण आर्थिक स्थिति चाहे EWS जो है, ये संविधान में नहीं लिखा हुआ है, ये संविधान के विरोध है। आर्थिक आधार पर दिया जा रहा है, इसलिए आर्थिक स्थिति पर भी और स्वर्ण जाति का भी, क्योंकि ये चार जात आ रहा है, जो राजपूत बुनियार पंडित कि ये गरीब है और इनको आर्थिक स्थिति पर दिया जा रहा है, ये कौन से संविधान का कोई इसका पाठ नहीं है, इस संविधान का विरोध है। तो हम जीते जी हम संविधान का विरोध होने ना देंगे, हम EWS के पूरे अपने सहयोग के साथ आए हैं, सैकड़ों सवर्ण जाति आया है, मैं पूरी तरह से विरोध कर रहा हूँ। यानी सवर्ण समाज भी अपने आरक्षण का विरोध कर रही है? जी बिल्कुल कर रही है, क्योंकि गलत है ना, हम लोग नया जनरेशन का लोग है, ये नहीं चाहते हैं कि जो दबले कुचले लोग हैं फिर से दबले कुचले हो, ये संविधान के विरोध है। हम संविधान के विरोध नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारा भारत देश है, पूरा वर्ल्ड में संविधान सबसे बड़ा लिखा हुआ है, हम भीमराव अंबेडकर जी का सम्मानित करते हैं जो संविधान लिखते हुए, विरोध नहीं होना चाहिए। साहब का पूरा नाम क्या? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर, भीमराव जी, भीमराव बोल रहे हैं, राव जी। आरक्षण किस अनुसूची में आरक्षण का प्रावधान है, जब पता है आपको? क्या आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस अनुसूची में है? हमको नहीं पता है, आपको पता होगा?
नहीं पता है। आपको पता होगा ना? मैं तो बिल्कुल पता है। आप मुझे इंटरव्यू ले रहे हैं क्या? नहीं, यह इंटरव्यू मेरा कहना है, आप एक सवर्ण है, आप एक कहाँ पे, नहीं आप एक सवर्ण है, सुनिए सुनिए, नहीं आपका नाम गलत है कि आप इंटरव्यू में आ रहे हैं, हमको आप आईएएस का इंटरव्यू ले रहे हैं, आपका जो सवाल है जिसका मैं विरोध कर रहा हूँ वो उसका हम समर्थन करें, उसका सवाल आपको नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं। हमें दिक्कत ये है कि आप एक सवर्ण समाज से हैं, सवर्ण समाज होते हुए भी आप सवर्णों के आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, तो सवर्ण समाज तो आपको टारगेट करेगा ही। क्यों टारगेट करेगा? हमारे साथ सैकड़ों लोग आए हैं सवर्ण जाति का, ये गलत बात है। जो दबले कुचले लोग हैं उनको हम आगे आने देंगे क्यों? भीमराव अंबेडकर जी जब संविधान लिख रहे थे तो उनमें भी तो जमींदार लोग होंगे, उनमें भी तो सवर्ण जाति होंगे, होंगे कि नहीं? वो अकेले नहीं ना लिख दिए हैं संविधान, होंगे ना सवर्ण जाति लिखे होंगे ना भाई, कि दबले किचले लोग हैं उनको आरक्षण दिया जाए। क्यों नहीं उस समय बोले कि सवर्णों को भी दिया जाए? उस समय सोचना चाहिए था ना, संविधान में एक कड़ी लिखना चाहिए था ना कि आने वाले समय में जब 75 साल आजादी हो जाएगा, जब हम लोग अमृत महोत्सव मनाएंगे, उसके बाद हम लोग को सवर्ण जाति को आरक्षण दिया जाए, बोलिए। ऐसा लिखना चाहिए था कि नहीं? क्या मैं गलत कर रहा हूँ? गलत मैं नहीं कर रहा हूँ, जो बात है सत्य सत्य। मोदी सरकार, मोदी सरकार सबके लिए काम कर रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ऐसा बात नहीं, मोदी सरकार 10% इसलिए सवर्णों का दिया है, ये वोट बैंक के लिए। जो नीतीश कुमार जी हैं बोलते हैं कि हम सोचित वंचित का ये सरकार है, ब्लेन नहीं है, ये स्वर्ण जातियों के लिए सरकार नहीं है, सरकार सबके लिए काम कर रही है, नहीं काम कर रही है, कहाँ काम कर रही है? उदाहरण दीजिए ना आपको, कहाँ पे गड़बड़ी कर रही है? क्या कुछ उदाहरण दीजिए कि नीतीश कुमार कहाँ पे गड़बड़ी कर रही है? यही काम कर रही है नीतीश कुमार, जो EWS वोट के लिए यहाँ पर पारित कर दिए बिहार में। क्यों हरियाणा में पढ़े लिखे नहीं है, राजस्थान में नहीं है, वो लोग भी EWS के खिलाफ किए हैं, सरकार वहाँ पर हरियाणा में ये सब नहीं दिए है। क्यों नहीं दिए है? 5 राज्य से लेकर 6 राज्यों में इसका विरोध हुआ है, वहाँ पर आरक्षण लागू नहीं किया है। क्या वहाँ के लोग अनपढ़ है? अनपढ़ ना है, वो लोग भी तो समझदार हैं। चलिए, EWS आरक्षण को लेकर के पूरे भारत में महासंग्राम मचा हुआ है, वहीं जनतांत्रिक विकास पार्टी आज बिहार में उतरी है उनके खिलाफ में, क्योंकि कहना है कि जो आर्थिक आधार पे EWS को आरक्षण दिया जा रहा है यानी सवर्ण समाज को, वो गैर संवैधानिक है, क्योंकि संविधान में कहीं भी आर्थिक आधार पे आरक्षण का प्रावधान नहीं है, और जब जातीय आधार पे शोषण होता है तो आर्थिक आधार पर आरक्षण क्यों? जब आर्थिक आधार पे शोषण कभी किसी का नहीं होता है, सवर्ण समाज का कभी शोषण नहीं होता आर्थिक आधार पे, हमेशा से जातीय आधार पे शोषण होता है, और जातीय आधार पे ही जो है आरक्षण का प्रावधान है संविधान में, और पूरे विश्व में जो है कहीं भी आर्थिक आधार पे आरक्षण का प्रावधान नहीं है, अलग अलग तरह के प्रावधान है पर आर्थिक आधार का प्रावधान नहीं है, और जो है यहाँ पर बिहार में बवाल मचा हुआ है। बहरहाल, बने रहे जनता जनसंघ के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।